जब आप 16 से 25 साल की उम्र के बीच में होते हो तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, जिसमें से कि पहला होता है प्यार और दूसरा होता है आपका करियर। ये दोनों ही काफी ज्यादा अहम होते हैं, पर ज्यादातर लोग पहला रास्ता ही चुनते हैं, प्यार का रास्ता। और ये गलती करने के साथ साथ वो अपने करियर बनाने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, और उनको तो होश तब आता है जब समय निकल चुका होता है और उनका प्यार भी उनसे दूर चला जाता है। अब ना उनके पास एक अच्छा कैरियर है और ना ही उनके पास प्यार बचा। वो कहीं के नहीं रहते, घर वाले उनके ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, और इस प्रेशर के चक्कर में कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं। कुछ लोग प्यार में धोखा मिलने पर खुद की जिंदगी तक खत्म कर लेते हैं। दोस्तों, प्यार करना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन ये भी याद रखो कि सिर्फ प्यार प्यार करने से किसी का पेट नहीं भरता। अगर तुम जीवन में कुछ कर नहीं सकते तो अपने जीवन साथी को एक अच्छी जिंदगी कैसे दोगे? यही बात अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को समझाएंगे तो लोग अपने माँ बाप को प्यार का दुश्मन समझने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपने माँ बाप के बारे में भला बुरा तक सोचने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हो ना, उसे पाना चाहते हो, उसके साथ जीवन बिताना चाहते हो, तो पहले खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ। अपने आप को पहले ऐसे स्तर पर लेकर आओ कि आप अपने जीवन साथी को एक सिक्योर भविष्य दे पाओ, ताकि जब आप किसी का हाथ मांगने उसके घर जाओ तो उसके घर वाले आपको रिजेक्ट करने से पहले 100 बार सोचें। अगर अभी कैरियर बना लोगे तो भविष्य में पैसे के साथ साथ आपका प्यार भी आपके साथ होगा। आप एक अच्छी लाइफ जी रहे होंगे, आपके माता पिता भी खुश होंगे, और आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। साथ ही साथ आपको हर जगह इज्जत भी मिलेगी। लेकिन अगर आप अभी सिर्फ प्यार प्यार करोगे तो इस प्यार के चक्कर में भविष्य में ना आपके पास पैसा होगा, ना इज्जत होगी, और ना ही वो प्यार होगा जिसके चक्कर में आपने सब कुछ बर्बाद कर लिया, और आप सिर्फ आने वाले 50 सालों तक अपनी किस्मत को लेकर रोते रहोगे। जबकि सच तो ये है कि अपनी किस्मत आपने खुद अपने हाथों से खराब की है। जब तुम्हारा खुद की किस्मत लिखने का टाइम था तब तुम मजे मार रहे थे, तो अब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। दोस्त, भविष्य में आप जो चाहते हो आपको वो सब कुछ मिल सकता है। बस पहले अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, एक अच्छा कैरियर बना लो, और जिसे आप अभी चाहते हो उसे भी एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए मोटिवेट करो। अपने प्यार और अपने कैरियर दोनों को समझदारी के साथ बैलेंस करके चलो। केवल एक ही चीज के लिए अंधे मत बनो। किसी भी गलत चीज में फंसे रहने से अच्छा है सही चीज की तरफ कदम बढ़ाओ। बहुत से लोग ऐसी जॉब में फंसे हुए होते हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी, अपनी प्रोडक्टिविटी और खुशी तीनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई गाना या कोई मूवी पसंद नहीं आती तो आप क्या करते हो? रिमोट को उठाकर उसे चेंज कर देते हो और टीवी में अपनी पसंद का कुछ लगा लेते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ऐसा ही कुछ आप अपने कैरियर के साथ भी कर सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप ऐसा कर सकते हैं रीलेवल की मदद से। रीलेवल बाय अनअकैडमी में बस आपको एक टेस्ट देना है, अपनी वर्थ को प्रूफ करना है, और क्रेड, अपग्रेड, ग्रो, मीशो जैसी कई बड़ी टॉप कंपनीज में इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी को सिक्योर कीजिए। इनमें से बहुत सी कंपनी का पैकेज 15 लाख तक है, साथ ही साथ 4 से लेकर 6 लाख तक की सैलरी भी अश्योर्ड है। बस सिलेक्ट होने के लिए आपको टेस्ट में 70% लाने होंगे। री लेवल से आप और आपकी ड्रीम जॉब के बीच की हर हर्डल, रिजेक्शन और कॉम्पिटिशन को आप स्किप कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर अभी भी आप अनश्योर हो तो आप री लेवल अचीवर्स के ट्विटर अकाउंट को विजिट कर सकते हो। अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए और री लेवल का टेस्ट दीजिए, और री लेवल टेस्ट के लिए कन्वीनियंट टाइम और डेट पिक कीजिए। ज्वाइन द री लेवल रिवॉल्यूशन। क्या पता ये एक फ्री टेस्ट आपका पूरा कैरियर ही बदल दे। विजिट री लेवल एंड रजिस्टर फॉर योर टेस्ट टुडे। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिकॉज कैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग अपने कैरियर पर ध्यान ना देकर ये कहते हैं कि प्यार से बड़ा कुछ नहीं, उन्हें ये बताना चाहूंगा कि प्यार सिर्फ एक अट्रैक्शन है। अगर वाकई में आपका प्यार सच्चा है तो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। तो अगर वाकई में आप किसी के साथ सच्चा प्यार करते हो तो अपने उस प्यार की ताकत का सही दिशा में इस्तेमाल करो। अपने प्यार की ताकत का इस्तेमाल पहले खुद को इतना सक्सेसफुल बनाने में लगा दो कि कल को आपको किसी भी तरह का अफसोस ना हो। खुद से ये वादा करो कि मैं प्यार, परिवार और कैरियर, इन सब को एक साथ चुनूंगा। खुद से ये कहो कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं इन सारी चीजों को एक साथ ऐसे बैलेंस करके चलूंगा कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी।
और अगर आप वाकई में चाहते हो तो ये सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि अगर ठान ले इंसान तो कुछ भी कर सकता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके हिसाब से प्यार और कैरियर में से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।